मैं छठी माई के लिए एक दफे गाना बना दिया कि मैं पहले सोच रहा था कि मेरे को हिंदी इसको पसंद होगा कि नहीं होगा, लेकिन मैंने देखा कि पसंद हुआ है तो हर तरह हम करते जाएंगे, जैसे हम दुर्गा पूजा में करते हैं, काली पूजा में करते हैं, ऐसे छठ पूजा को भी हमने किया। अगर किसी ने नहीं सुना तो हमारा प्रोग्राम का बाद ये लोग जरूर चलाएंगे। आपका पास है पेन ड्राइव तो आप चल रहे थे तो आपको सुनने आएगा। दुर्गा पूजा काली पूजा भाई फोटार पर छठे गान लिखलें मुख्यमंत्री মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। छठे नतून गान प्रकाश करलें মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দুর্গা পূজা কালী পূজা এবং ভাইফোঁটাতেও তিনি নিজের রচিত গান প্রকাশ করেছিলেন। ছটেও তার অন্যথা হলো না। ছট পূজার উদ্বোধনে গিয়ে সম্প্রতি বার্তা দিয়েছেন তিনি। मैंने कल इसके लिए एक गाना भी लिखा, इसको कथा भी मैंने दिया, अगर गलत हो गया तो माफी चाहती हूँ, लेकिन हम एक बनाया छठी माई के लिए। सूरजमल को प्रणाम, सूरजमल को प्रणाम, जय 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 छठी मैया, जय जय रे, जय 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 छठी मैया, जय जय रे, जय 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 छठी मैया, जय जय रे। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় কলকাতা বন্দর এলাকায় তিনি ছট পূজার উদ্বোধন করেন। ভার্চুয়াল মাধ্যমে হাওড়া এবং হুগলির কয়েকটি জায়গাতেও উৎসবের সূচনা করেছেন। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সূর্যাস্তের পর ছট পূজা শুরু হয়। হিন্দি ভাষায় এই গানে ছট মায়ের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের ধর্মীয় সম্প্রীতির ছবি এই গানে ধরা পড়েছে। जीवन अच्छा रहे, जीवन सच्चा रहे रे, जीवन सस्त रहे, हम सब मस्त रहे रे। मेयर ফিরাদ হাকিমের বিধানসভা এলাকা কলকাতা বন্দর, সেখানকার তক্তাঘাট ও দইঘাটে গিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ফিরাদ ছাড়াও দলের স্থানীয় নেতৃত্ব অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। ভার্চুয়াল মাধ্যমে তার পূজা উদ্বোধন দেখার জন্যে হাওড়ার তেলকলে এলইডি স্ক্রিন বসানো হয়েছিল। তেলকল ঘাটে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ রায়, রাজ্যের পুলিশ ডিজি রাজীব কুমার, হাওড়ার পুলিশ কমিশনার প্রবীণ কুমার ত্রিপাঠী, জেলা শাসক দীপা পিয়া সহ অনেকে। बनाने के लिए छोटी छोटी माँ को, जो छठ माई को, जो हमारा जो बहुत बहुत पूजा करने के लिए आप गंगा घाट में आते हैं तो दही घाट में आई हुई है, हर घाट में आप ऐसे जाते हैं, आप लोगों को सबको शुभकामना है। हम लोग को बंगाल सरकार का ओर से और हमारा बंगाल का सब आदमी का ओर से आप लोगों को बहुत बहुत छठ पूजा अभिनंदन। हम हर साल इधर में आती हूँ, आज नहीं है, हम जब जादवपुर का एमपी था उसका पहले से, और हम जिधर में आते हैं हम आते हैं। एक घाट का कंडीशन बहुत खराब था वो टाइम, ये लोगों ने बताया था, अभी बंगाल में 126 घाट कलकत्ता में खाली, पूरा सफा सुथरा किया है, लाइट लगाया, परिष्कार किया है। हम दिनेश बजाज डॉक्टर काशिम को भी देख रहा है, आप लोग भी अच्छा रहे सब। मैं एक ही बात कहने चाहूँगी, आप लोग जो
पूजा करने के लिए जा रहा है, मेरे को एक ही विनती है जो पुलिस कमिश्नर का हाल कह दिया है कि आहिस्ता आहिस्ता जाइए, जल्दी बाजी मात कीजिए। क्यों? पूजा पानी में होता है, गंगा धरती में, गंगा माई का पास पूजा होता है और सुबह में सूरज देवता का पूजा होता है। इसी के लिए आपको ग्रुप ग्रुप करके जाना है, एक साथ में 10,000 लोग चला गया तो सब पानी में गिर जाएगा, ये नहीं होना चाहिए। जिंदगी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, सबको बचाना है, धर्म भी मनाना है। इसी के लिए आप जाइए, आहिस्ता आहिस्ता जाइए, आहिस्ता आहिस्ता वापस आइए। मैं एडमिनिस्ट्रेशन का जो लोगों ने है, जो वॉलेंटियर्स है, इसको भी कहने चाहूंगी कि बार बार आप अनाउंस करें, अगर कोई आपका ज्यादा भीड़ देखने का बाद कहे उधर में कुछ हुआ है, जल्दी जल्दी चलो, बात मत सुनना, उसमें स्टैंपिड होने का डर है, नहीं होना चाहिए। खुशी में कभी दुख नहीं आना चाहिए। जिंदगी सबसे कीमत है, जिंदगी का कीमत से और कोई कीमत नहीं होता है। इसी के लिए आई कभी कोई बोलेगा भी आप मत सुनो, आप ऐसा ऐसा जाओ, पूजा मनाओ, वापस लौटो और एक ग्रुप जाएगा, फिर वो एक ग्रुप आएगा, ऐसा करके आप अच्छा से गंगा माई को पूजा करें, सूरज देवता को पूजा करें। मैं आप लोग को बहुत बहुत शुभकामना देने चाहती हूँ, बहुत बहुत बधाई देने चाहती हूँ और आप लोगों को शुक्रिया अदा करने चाहूँगी कि आप लोगों ने हमको हर साल ये हमारा जो दोईघाट छठ पूजा कमेटी है हमको बुलाते हैं और हमको दो चार बात कहने का मौका देता है। पंडित बाबू रहते हैं, पूजा भी करते हैं और हमारा हाथ में छठ पूजा का जो रक्षा सूत्र है वो भी देता है। हमारे पास हाथ में था कुछ, हम खुल गया इसी के लिए कि इसको हम लेगा इसी के लिए। तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामना शुभनंदन कहती हूँ। अब भिखरी आज नहीं, उसको हम बहुत दिन से चिंता पहचानता हूँ। पहले मैं एक दिन उसको पूछा है तो तेरे को नाम भिखरी के क्यों हुआ, तो उन्होंने कहा है हम जब छोटा थे मांग मांग के खाते थे, इसी के लिए हमको सब भिखरी भिखरी कहते थे, उससे उसको नाम भिखारी सिंह हो गया है। हमको भी कभी कभी लगता है भिखारी सिंह बोलना अच्छा नहीं होता है, लेकिन क्या करे, उसका नाम ही है ऐसा, तो हम तो चेंज नहीं कर पाएगा अभी, और तो अभी बहुत दिन हो गया है, वही सर्टिफिकेट में है, वही आधार कार्ड में है, वही पैन कार्ड में है, वही वोटर लिस्ट में है, लेकिन हम दिखता है भिखारी हर तरह रहते हैं। और जो आपको जाने माने जो लोगों ने हैं सब आप लोगों का पास हर तरह रहते हैं, आप लोग अच्छा रहे, सिखत रहे, आपका परिवार को शास्त्र अच्छा रहे, आप सच्चा रहे, अच्छा रहे। आप दिल से पूजा मनाइए, आप दिल से विश्वास कीजिए, हमारे ऊपर इतराज अगर आपको है जरूर कहिए, लेकिन हमको गलती मत समझिए किसी का बात पे आकर, ये हमारा एक ही मिनती है, अच्छा रहिए, खुश रहिए, फिर मिलेंगे, अच्छा से पूजा बनाइए, हमको भी लिट्टी मिलेगा। अरे ठेकुआ तेरे को देने का जरूरत नहीं है, वो हमारा वो भैरा भी देता, बहुत सारे आता, कम दीबी एकटा दीबी, हाँ लिट्टी चोखा देवर दरकार नहीं, बड़ बाजार थे आसे विभिन्न जगह থেকে আসে, আমার বীরেন্দর দেয় যে আমার গাড়ি চালায়, ওরা কি সুন্দর লুচি আরে দেয়, ডা তরকারি বানায় না আলু দিয়ে মটর ছোলা দিয়ে সেসব দিয়ে, সুতরাং হ্যাঁ ও বানিয়ে দিতে হয়, দিবে দিবি দিবেদিকা ঠক ঠক যে ঠেকুয়া হতা না সবসে বড়িয়া হতা বীরেন্দর আর দিবেদিকা সবসে বড়িয়া হতা তো ইসি কে লিয়ে হমকো মিলতা হ্যাঁ তুম লোক খা লো
और तुम लोग को जिनको देना है दे लो, हमको एक भेज रहा है, बाद बाकी हम वो हमारा अर्बन एरिया का जो म्यूनिसिपैलिटी का जो सेक्रेटरी है, कलकत्ता कॉरपोरेशन है, कमिश्नर है, उसको भेजो, हमारा पुलिस कमिश्नर को भेजो। लेकिन हमको पास बहुत आते हैं, आते रहेगा, अगर आपको जरूरत है तो हम आपको भेज सकते हैं। अच्छा रहो, बहुत दिल से खुश रहो, आप लोग को दीपावली को भी शुभकामनाएं।